साढ़े प्रधान कुलदीप जी वो भी मंच पर आइए। किसके लिए बनाया? गरीब आदमी को जमीन मिले उसके लिए नहीं बनाया। जिन नेताओं ने इस पर कब्जा किया था, अधिकारियों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, उन नेतों ने, उन नेताओं के लिए जो पैसे जमा नहीं करवाए और प्रदेश की 3.5 लाख कनाल जमीन खा गए ये लोग। कितनी जमीन खा गए? 3.5 लाख कनाल जमीन खा गए। कहा था प्रदेश को 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, 25,000 करोड़ तो दूर, मात्र 76 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। इन्होंने कहा था पनबिजली परियोजनाएं लगेंगी, एक भी नहीं लगी। इन्होंने कहा था लाखों लोगों को रोजगार देंगे, 10 को भी नहीं मिले। इन्होंने कहा था आपको मुफ्त और सस्ती बिजली मिलेगी, नहीं मिली। ना बिजली मिली ना कुछ हुआ, रोशनी के नाम पर आपको अंधकार दिया और अपना आशियाना रोशन गुपकार गैंग के लोगों ने किया है। ये हाई कोर्ट ने कहा इस पर कार्रवाई करो, हाई कोर्ट ने कहा कार्रवाई करो। फारूक अब्दुल्ला ने कई कनाल जमीन पर अपना आलीशान घर बनाया है। इनके पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस के अपने बड़े बड़े घर कब्जे वाली जमीन पर बनाए हैं, अपने बड़े बड़े दफ्तर उस पर बनाए हैं। रोशनी एक्ट के अंतर्गत जिसने जमीन अपने लिए बड़े नेताओं ने ली, अधिकारी व्यापारी कर्मचारियों ने ली, इन सब की जमीन वापिस होकर अब सरकार को जाएगी और जम्मू कश्मीर को उसके हक वापिस मिलेंगे। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो गरीब जनता है, जो गरीब जनता है, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मोदी सरकार ने देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों की सरकारों के माध्यम से गरीब जनता जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश भर में किया है। ये भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्ट व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। ये नेता आपको डराकर कि आपकी जमीन जाएगी, ये खुद जमीनों पर कब्जे करके बैठे हैं। गरीब जनता को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। ये भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का एक अच्छा मौका हम करके देंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, जिस मोदी सरकार ने आपदा के समय 80 करोड़ लोगों को, दुनिया का कोई देश राशन नहीं दे पाया, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और दाल देने का मुफ्त में काम किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार